रेड क्रॉस सोसाइटी के शिविर में 50 से अधिक छात्र छात्राओं ने किया रक्तदान। सिमरिया डिग्री महाविद्यालय सिमरिया में गुरुवार को रेड क्रॉस सोसाइटी चतरा के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन जिला परिषद उपाध्यक्ष बिरजू तिवारी ने फीता काट कर किया। इस शिविर में 50 से अधिक यूनिट संग्रह किया गया। इस शिविर में महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने रक्तदान करने में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। वहीं श्री तिवारी ने कहा कि रक्तदान सभी दानों से बड़ा दान होता है। आपके रक्त से अनेकों लोगों की जान को बचाया जा सकता है। आप सभी युवा एवं छात्र छात्राएं से आग्रह है कि अधिक से अधिक इस रक्तदान शिविर में अपना रक्तदान करें। इस मौके पर जिला परिषद सदस्य देवनंदन साहू, महाविद्यालय प्रधानाचार्य सुरेंद्र कुमार बक्सी, पूर्व इंजीनियर देवकी नंदन मेहता, महाविद्यालय सचिव अखिलेश सिंह, पंचायत समिति सदस्य भोला सिंह, पंचायत समिति सदस्य सुमन कुमार, शिक्षक अमिताभ कुमार सिन्हा, योगेंद्र प्रसाद वर्मा, चंदन कुमार सिंह, सुचित सिंह, बीटी राम, मुकेश कुमार विश्वकर्मा, मिथिलेश कुमार राणा, संतोष कुमार, नुरुला अभिजीत आनंद समेत सैकड़ों छात्र छात्राएं उपस्थित थे। हम खूब अमीर हो जाए, हमारी आवश्यकताएं बहुत बढ़ जाए, और अगर हम अनुशासित नहीं होंगे तो हमसे लोग घृणा करेंगे। हम बिल्कुल गरीब हैं, और अगर हम अनुशासित तरीके से चलेंगे तो लोग हमारी चर्चा करेंगे। चर्चा होती है हमारे अच्छे कर्मों के, बुरे कामों की चर्चा होती है, और हम सभी अगर यहाँ पे आए हैं तो एक ही लक्ष्य है कि हम अच्छे काम करें। माननीय सदस्य श्री जलंदन चाचा जी बोल रहे थे, हम सभी के माता पिता सर्विस में नहीं हो सकते। यहाँ पे जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, हो सकता है 2-4, 10-20 आदमी के पेरेंट्स सर्विस करते होंगे, उनको मूलभूत व्यवस्था पहुँचाते होंगे। अधिकतर बच्चे हमारे या तो छोटे किसान होंगे, या फिर उनके पिताजी बंबई में होंगे, गुजरात में होंगे, या कहीं भी काम करते होंगे, और वहाँ पे काम करते हुए एक ही लक्ष्य है कि हमारा बच्चा पढ़ के कुछ अच्छा करे। तो हमारा भी दायित्व तो बनता है कि हम उनके विश्वास पे खरा उतरें, और ख़ास करके हमारी जो बहनें हैं, हम उनसे भी आग्रह करना चाहेंगे, क्योंकि आप एक ऐसे प्रॉपर्टी हैं जो अपने माता पिता के साथ साथ एक दूसरे परिवार का भी जिम्मेवारी आपके पास आने के लिए तैयार खड़ा रहता है। क्योंकि हम लोग जितने भी यहाँ बैठे हैं, आप ही के जैसे कोई मातृशक्ति का हम लोग बेटा हैं, और जब हम मातृशक्ति की बात करते हैं तो आपका चेहरा उसके सामने आता है। हम लोग बेटी कह सकते हैं, लेकिन मूल रूप से आपकी शक्ति मातृशक्ति के रूप में आता है, और इसीलिए आप दोनों परिवार के, दो परिवार के सेतु का काम करते हैं, इसलिए जिम्मेवारी आपके पास ज़्यादा है। और आपसे बिल्कुल आग्रह होगा कि आपको जिस तरह से आपके माता और पिता ईमानदारी से आपके पर विश्वास करके छोड़ते हैं कि आप कॉलेज जाएं, स्कूल जाएं, कुछ अच्छे काम करें, आपसे भी आग्रह है कि आप उस विश्वास पर अपने माता पिता के लिए खरा उतरें। ये हमारा आपसे एक भाई होने के नाते आपसे बिल्कुल आग्रह है, और हमें लगता है कि इस आग्रह का आप पूरा भी करते होंगे और करने का प्रयास भी करेंगे। हम लोग आज ब्लड डोनेशन कार्यक्रम में यहाँ पे पहुंचे हैं, और ये ब्लड विशेष रूप से